और बाकी यहाँ पर हमारा लग गया तड़का जी। तो ये आ गई हमारी चावल और सब्जी। कुक्कू जो है बीमार हो गई है, कुक्कू को ले ली दवाई और अभी खा भी ली। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिमाचली कपल। तो जैसे कि आपको पिछली वीडियो में पता लग ही गया है कि हम जा रहे हैं चंबा ट्रिप में, तो अभी हम पहुंचे हैं बैजनाथ में। तो आज हम कहाँ स्टे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कुछ भी पता नहीं है, बस बिना प्लानिंग किए चले जा रहे हैं। तो आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना प्लानिंग किए जा रहे हैं और देखते हैं आगे, जैसे जाके सोचते हैं कि कहाँ पे क्या क्या करना है। ओ, ओ, ओ। बेवकूफ, पीछे पूरा बंद की हुई है गाड़ी और फिर सेट लगा दी है पीछे और फिर ऐसा घुमा रहा है पीछे। मेरे तो बस चली गई अब गाड़ी है, दो बार किया इसने ऐसा। हाँ, कैसे कैसे क्या बोल रहा है, गधे ही बोले और क्या बोले। इसका चलान होना चाहिए पीछे, कैसे लगा दिया इसने, है ना। बैक साइड तो पूरी खुली होनी चाहिए यार ये। ओ, चलो बैजनाथ पहुंच गए हैं, मतलब यहाँ पर अब पहुँचने वाले हैं पेट्रोल पंप के पास। पेट्रोल डालेंगे, गाड़ी को करेंगे फुल लबालब और फिर देखते हैं क्या करना है। करना तो क्या पता है, जाना ही है आगे की तरफ, जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ रुक जाएंगे और रास्ते में कुकिंग वगैरह भी करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो जी पेट्रोल डाल दिया और बाहर लग पड़ी है बारिश थोड़ी थोड़ी। तो मौसम तो आजकल बहुत ही मस्त हो गया यार, ठंड जो है बढ़ गई है, मतलब धूप वगैरह हो नहीं रही है एक दो दिन से। तो मौसम बढ़िया ठंडा ठंडा है और निकल रहे हैं बैजनाथ से अब। 2500 का पेट्रोल डाल दिया, मतलब टैंक फुल किया ऑल्टो का, शायद इसमें 30-35 लीटर ही पेट्रोल आता है, जिसमें से 5-7 लीटर पहले से था। तो गाइस अभी रुके हुए हैं यहाँ पालमपुर से पीछे और चाट खा रहे हैं। कैसी है, मस्त है ना, टेस्टी है ना। अच्छा। तो यहाँ पर पालमपुर से पीछे जैसे देखिए ये है उधर चाट वाले भाई, तो यहाँ पर काफी ज्यादा रुकते हैं हम बर्गर चाट खाने के लिए, बहुत टेस्टी बनती है। मैं तो पहली बार रुकी हूँ, किसके साथ रुके थे? दोस्त, हम रुकते थे पहले भी दोस्त। तो हमें लगता है लगता नहीं है, भयंकर बारिश लगी हुई है और हमारा लंच का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश लगी हुई है। ये पानी पानी हो गया अंदर भी, ये देखो अंदर, देख अंदर, वो देखिए देखिए, ये रखू आया था ना इसकी वजह से। तो गाइस अब देखते हैं कहीं खाना खा ही लेंगे। परांठे खाने या नहीं? परांठे नहीं खाने ना, तो क्या खाना? मैं खाऊंगी, मैं खाना चाहती हूँ राजमा चावल एकदम नींबू निचोड़ के। बीमार नहीं है तू, नींबू खाएगी ठीक हो जाते हैं उससे, पता है। हाँ। चलो देखते हैं क्या होगा। अब सफर की शुरुआत बहुत ही बढ़िया बारिश के साथ। यू ये देखिए कितनी ज्यादा बारिश हो रही है और बाइक पर जो है नॉन स्टॉप चला हुआ है, यहाँ तक कि रोड तक नहीं दिखाई दे रहा है हमें। ओरे बाप रे, बरसात वाली बारिश हो रही है। गाइस हिमाचल में आ चुकी है बरसात, ये तो बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। डबल हो गई, डबल सबसे लगी हुई है और अब तो और भी ज्यादा लगी हुई है। बाप रे बाप, देखता है अब रुकना ही पड़ेगा ना कहीं, इतनी भयंकर बारिश। तो जी यहाँ पर पहुँच गए हैं गोपालपुर में और एक भालू दिख गया कुक्कू को, तो मोटा जैसा पंखू की तरह गोल होल। तो मेरे को देखना था बब्बर शेर। अब तो ऐसी बारिश में बब्बर शेर के भी बाल से चिपक गए होंगे। तो देखते हैं अब क्या करेंगे, और बच्चे जा रहे हैं स्कूल के बेचारे भीगते भीगते, एक छाता चार चार तीन तीन कुछ। अपना स्कूल टाइम याद आ गया, हम भी ऐसे जाते थे भीगते भीगते, पर मजा बड़ा आता है ऐसे भीगने का, होता है। हाँ हमें भी पता है। बारिश में कर कर टेस्ट करो कैसे बने हैं। मस्त, चलो मैं खाता हूँ। तो गाइस अभी मोमोज वगैरह खा लिए, मज़ा आ गया। और अरे भाई तो देखो रोड पे बारिश ही बारिश चली हुई है, कंटिन्यू पानी पानी, और ये खड़ी हमारी गाड़ी। तो चिड़ियाघर हमने कैंसिल कर दिया, जू नहीं जा पाएंगे।
यहाँ से जाते हैं हिमानी चामुंडा के लिए। यहाँ से सामने एक गांव है, वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से होता है ट्रैक हिमानी चामुंडा का। और अभी हम चामुंडा माता के मंदिर में पहुँचने वाले हैं, जो मेन मंदिर है रोड में। देखते हैं अगर बारिश कम होगी या रुक जाएगी तो आपको दिखाएंगे मंदिर, अगर बारिश ऐसी रहेगी बढ़ जाएगी तो फिर मुश्किल है। और ये साथ में जो साइड में लगा हुआ है वो पूरा टी गार्डन है, अंग्रेजों के टाइम का टी गार्डन। और गोपालपुर में बहुत ही सुंदर टी गार्डन है, सबसे ज़्यादा बहुत मज़ा आता है देखने का यार। तो ये पहुंच गए हम चामुंडा, ये अभी बस रिवर के ऊपर से क्रॉस हो रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारी टूरिस्ट बसेज लगी हुई है, तो सभी दर्शन करने गए हुए हैं। देख लेते हैं हम भी यार, मैंने अब कभी गया नहीं हूँ इस मंदिर में। तो यार गाइस इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, देखो पानी देखो सामने, ये कोई नदी नाला नहीं है, ये खेतों से पानी आ रहा है, मतलब बारिश पड़ने से। और यहाँ पर तो कम है, यहाँ इस रोड से नीचे जो आ रहा था भयंकर पानी, और वो जो नदी है पूरी, वो पूरी तो पूरी लाल लाल हो गई है, क्योंकि लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी की वजह से। वो देखो नीचे खतरनाक बारिश हो रही है आज, और मौसम बहुत ही सुहाना, एकदम बढ़िया मौसम, मज़ा आ गया है। तो लगता है हिमाचल में बरसात की शुरुआत हो चुकी है। और हमारी ट्रिप पहली दिन, ट्रिप का पहला ही दिन, और पूरा चौपट हो गया है। वैसे तो मज़ा आ रहा है ना? हाँ। ऐसे अभी तक तो कोई दिक्कत तो आई नहीं है बारिश की वजह से, बाकी देखते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करो कैसी लग रही है वीडियो, हम आपको इतना प्यारा प्यारा मौसम दिखा रहे हैं, आप लोगों को पसंद है क्या बारिश का मौसम या नहीं? तो आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है यार गाइस, क्योंकि नज़ारे जो है नेक्स्ट लेवल होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम धर्मशाला साइड पहुंचने वाले हैं, तो सोच रहे हैं अब क्या करें, धर्मशाला में रुके या नीचे उतर जाए चंबा रोड में, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो जी अभी पहुंच गए हम धर्मशाला के आसपास, मतलब पहुंचने वाले हैं धर्मशाला, और बहुत ही सुंदर लग रहा है यार, बहुत ही सुंदर। और बारिश जो है रुक चुकी है पूरी तरह से, बस थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही है, थोड़ी देर बाद क्या पता धूप भी लग जाए, क्यों तो वही बात है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन टाइम बहुत है हमारे पास, समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाएं क्या करें, तो करते हैं डिसाइड क्या करना है। और बाकी सामने देखो पूरा धर्मशाला मैक्लोडगंज पूरा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो गाइस हम जो है चंबा रोड के लिए उतर चुके हैं, धर्मशाला नहीं गए, नीचे की तरफ उतर गए हैं। अब जो हमारा प्लान आगे की तरफ जाने का है, तो देखते हैं कहीं ना कहीं आगे अब रुकेंगे, जैसा भी होगा जो भी होगा, बस आप लोग करिए एंजॉय इन प्यारी प्यारी वादियों का। ओ भाई नदियों का कलर तो देखो बिल्कुल ही बदल गया है, इतना भयंकर तो बरसात में भी नहीं होता है, पूरा लाल लाल पानी हो गया है। तो गाइस ये देखिए नदी, बाप रे कलर देखो नदी का। और वहाँ पर लोग कर रहे हैं काम कुछ सड़क के साथ, वो देखो और नीचे चली हुई है नदी इतने खतरनाक तरीके से, वो अगर नीचे गिर जाए ना अगर आप बंदा तो रगड़ लेगी ये नदी, अपने साथ बहा ले जाएगी, बहुत खतरनाक नदी आई है। ऊपर हुई है बारिश, और यहाँ इस एरिया में तो कुछ बारिश हुई नहीं है, थोड़ी बहुत गिरी है बस। और यहाँ रुके हुए हम लोग चाय पीने के लिए, और वो ऊपर दिख रही है बर्फ़ की पहाड़ियाँ, देखो जो वाइट वाइट है वो बर्फ़ है जो पहाड़ियों के बीच में है वो भी। तो यहाँ पर बैठ गए चाय पीने, आ जाओ आप लोग भी। तो बस चाय पीते हैं, और आगे बस थोड़ा ही आगे चल करके हमें मिलने वाला है चंबा रोड, तो हम छोड़ने वाले हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को और एंटर होने वाले हैं चंबा में। वैसे गाइस हमारा मेन मकसद चंबा जाने का नहीं है, मेन मकसद है सच पास जाने का, तो अल्टो K10 को हम लेकर जा रहे हैं सच पास। तो बहुत वीडियो सर्च करी मैंने, मिली नहीं, लेकिन देखते हैं आप अपनी गाड़ी लेकर के, वैसे जाती है गाड़ी चली जाएगी, मतलब इतने ख़राब रास्तों में चला ली यार, अब वही बचा है क्लास, सबसे डेंजरस जगह है वो रोड के हिसाब से। हाँ सुना तो मैंने बहुत है उसके बारे में, लेकिन देखते हैं अब आज के मतलब आने वाले दिनों में, दो चार दिनों में। तो गाइस निकल गए चाय पी करके, और नज़ारे देखो आप क्या नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। और बस अब इंतज़ार रहेगा कि कहां पर वो रोड आएगा जो चंबा को कटता है यहां से, बस वहीं से दिखाते हैं फिर आपको आगे।
देखिए गाइस, ये लगा है सामने बोर्ड, दिख रहा है हाँ, पठानकोट नूरपुर और डलहौजी के लिए। और हाँ, डलहौजी पूरा 100 किलोमीटर है। ये देखिए, ये जो राइट साइड को जा रहा है, इस साइड जाना है हमने, तो ये चल पड़े शिव भूमि चंबा पधारने पर। पर्यटन विभाग आपका हार्दिक स्वागत करता है जी, धन्यवाद। तो शायद यही कहीं से चंबा शुरू भी हो जाता है, अभी तो शायद ये कांगड़ा ही होगा जो एरिया है। वाओ यार, क्या नजारे हैं यार, देखिए क्या शानदार रोड है। और मौसम बिल्कुल मतलब मिक्स जैसा, ज्यादा धूप नहीं, बारिश भी नहीं, और साथ में इतने प्यारे प्यारे घर हैं। जैसा मौसम चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है, खुला खुला एरिया और बढ़िया सा एकदम, बहुत ही मस्त यार, बहुत ही मस्त, मतलब मजा ही आ गया। व्यू तो क्या, डांस कर रहा था वहां पे स्कूल का लड़का। अच्छा अच्छा भाई कितने खुश हो गए बच्चे, है ना, वीडियो कैमरा देख के मैंने उनकी तरफ घुमाया भाई अलग ही क्रेज होता है स्कूल टाइम में भी। और ये देखो अब बिल्कुल सीधा रोड, सीधा तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आएगा ये ऐसा। बस हम भी वादियों के मजे ले रहे हैं और आज देखेंगे कहीं बढ़िया जगह, कैंप ना मिला तो कहीं ऐसी जगह में होम स्टे मिल जाए तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत मज़ा आएगा एक्सपीरियंस करने का। तो गाइज यहाँ पर, यहाँ से है पठानकोट 47। तो हम लोग जो हैं कांगड़ा वाले हाईवे से आते हैं यहाँ के लिए, चंबा के लिए। तो अगर कुछ लोग पठानकोट से भी आते हैं, मतलब नीचे पंजाब साइड से, तो वो लोग इस रास्ते से आते थे जो दिख रहा था सामने। और अब जो है आगे को रास्ता एक ही रहेगा, अगर जोत से जाते हैं तो फिर अलग हो जाएगा रास्ता, और अगर दूसरे साइड से जाएंगे मेन वाले हाईवे से तो वो अलग है। तो चलो देखते हैं, डिसाइड करते हैं कहाँ से जाएंगे। और नीचे देखते हैं क्या मस्त रिवर है, क्या मस्त पुल है। और कुकिंग करने के लिए जगह वगैरह तो बढ़िया बढ़िया मिल रही है, कार कैंपिंग के लिए भी कुकिंग करने वाले थे हम वैसे, लेकिन कुकू जो है बीमार हो गई है, तो पहले दिन बीमार हो गई, देखते हैं अब दवाई लेनी पड़ेगी और रूम भी ले लेंगे। तो गाइस इस पॉइंट पर पहुंचे हैं जहां से जो है दो रोड जाते हैं, दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर कुकू को ले ली दवाई और अभी खा भी ली, और एक घोल भी दे दिया अंकल ने, यहाँ पर है मेडिकल स्टोर, ये दिख रहा है देखो ऊपर, पता नहीं जगह का नाम तो आइडिया नहीं है। और दही ले ली, और अभी इन्होंने डॉक्टर ने बोला कि दही खा लो, अभी खा लो बोला चाय, जितना जल्दी खाओगे उतना अच्छा होगा। और बाकी अब निकल रहे हैं यहाँ से, तो आराम तो जल्दी हो जाएगा ऐसा बताया डॉक्टर ने, बाकी देखते हैं अब क्या होगा। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि पीछे 50 किलोमीटर और आगे 50 किलोमीटर, कहीं भी मेडिकल स्टोर नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर है दो रास्ते, इन पे बोर्ड पे लिखा हुआ है लेकिन बंदा खड़ा हुआ है तो दिख नहीं रहा था ढंग से। तो बस हमने ले लिया है जोत वाला ही रोड, वैसे हम सोच रहे थे दूसरा रोड लें कि खजियार भी घूमेंगे, लेकिन यहीं से जाएंगे जोत होते हुए, और फिर कल खजियार भी चले जाएंगे और वो लेक भी घूम लेंगे, जो भी है जो जो भी जगह है वो कल देख लेंगे, यहीं से जाएंगे। लेकिन क्योंकि जोत भी बहुत प्यारी जगह है, तो बहुत क्या बोलते हैं डिहाइड्रेट हो जाता है आदमी जब पेट ख़राब होता है, तो पेट में प्रॉब्लम हो गई, इसको इन्फेक्शन हो गया है पेट में, मतलब लूज मोशन टाइप। तो देखिए क्या रोड है, बीच बीच में ख़राब भी आता रहेगा ये, और फुल ऑफ रोड वाला फील दिलाता रहेगा। और जो जोत वाला रोड है ना, वो काफ़ी कर्वी और काफ़ी ज़्यादा पतला भी है। तो चुवाड़ी पहुंच चुके हैं, और अब यार टाइम तो बहुत है, लेकिन ऐसा करते हैं कि रुक जाते हैं और थोड़ा इधर उधर घूम भी लेंगे, देख भी लेंगे, रेस्ट भी कर लेंगे, और एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है। तो चुवाड़ी के एक दो चक्कर लगाने के बाद निकल रहे हैं जोत की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो है रूम है ही नहीं, होटल भी नहीं है, तो इतना बड़ा एरिया है। और लिखा हुआ है उसमें रूम्स अवेलेबल, पता नहीं क्यों लिखा है, क्या सिस्टम है। तो यहाँ से दिख रहा है ऊपर 2-3 किलोमीटर ऊपर एक होटल दिख रहा था, तो एक भाई ने बताया कि वहाँ पर मिल जाएगा, तो मैंने सोचा चलो ऊपर जैसे चलते हैं। तो गाइज़ बहुत ही
बढ़िया जगह मिल गई है। देखते हैं रूम अवेलेबल हैं कितने के हैं क्या है। ये है द हेवन होम स्टे और सच में हेवन है। पूरा चुबाड़ी दिख रहा है यहाँ से नीचे और क्या शानदार व्यू है यार। भाई साहब क्या सही जगह पे बनाया है यार बंदे ने, एकदम ही अल्टीमेट व्यू है। और ये पीछे रोड और यहाँ पर हमारा कुकू हो गई ठीक। कुकू जो है अब रिकवरी हो रही है, अच्छी लग रही है। और देख यहाँ पर भी हम कार कैंपिंग कर सकते थे, कितनी मस्त खुला मोड है ना। लेकिन चलो आज रेस्ट करते हैं, कुकू बीमार है थोड़ी, तो वही लूज मोशन से क्या होता ना अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा थकान सी होती है, तो रेस्ट करते हैं यार। उसमें क्या है, कार कैंपिंग तो आगे करनी है, साच पास जाना है, वहाँ तो वैसे भी रूम मिलना मुश्किल होते हैं, वहाँ तो करनी पड़ेगी, तो फिट एंड फाइन तो होने ही चाहिए। तो जी रूम मिल चुका है और वो देखो वो गई कुकू, ये जा रही है रूम और वो एक पेटी रख दी उसने नीचे, तो दूसरी ले जाऊँगा मैं। और ये इसलिए क्योंकि ये जो भाई यहाँ पर रहते हैं इन्होंने बोला कि खाना मैं नहीं बना पाऊँगा, थक गया हूँ और कभी कभी बनाता हूँ कभी नहीं भी बनाता हूँ, तो आप नीचे से ले आओ। तो हमने बोला भाई नीचे से क्यों लाएंगे, हम तो खुद ही बनाते हैं, खुद ही मतलब सोते भी गाड़ी में हैं। तो उन्होंने बोला और भी अच्छा है बना दो, तो इन्होंने दो तीन जगह बता दी, या लेंटर के ऊपर बना लो या यहाँ पर एक शेड सा है वहाँ बना लो। तो हमने चूज़ किया है लेंटर के ऊपर, बनाएंगे अब अपना डिनर, तो बहुत ही बढ़िया हो गया, मज़ा आ गया। तो जी हमने जो है यहीं पर कुकिंग शुरू कर दी है, नीचे नहीं गए क्योंकि सामान ढोना पड़ता है इतना सारा देखो, तो सोचा यहीं बना लेते हैं क्योंकि यहाँ बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया व्यू है। हम तो वैसे भी बनाते ही रहते हैं रोड साइड, तो आज कुछ नया ही बन रहा है जैसा आपने सोचा नहीं होगा। गोभी, पत्ता गोभी और चावल, कुकू का मन कर रहा है गोभी और चावल खाने का, पता नहीं कौन सी डिश सही है और ये कैसे पड़ी हुई है, क्या कर रही है तू? बहुत सख्त गोभी है, डंकी गोभी नहीं लाई आपने। तो ये देखिए गाइस चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और चूल्हा नीचे रख दिया क्योंकि कुकू पर कटिंग वगैरह कर रही है और सब्जी बन रही है, तो तब तक आप टाइम लैप्स देखिए अब जब तक हमारा खाना बनता है। तो आपने देख लिया होगा टाइम लैप्स और कुकू ने बहुत हेल्प कर दी मेरी, वैसे ये अब ठीक हो रही है, फिर अब इसको उल्टी करने की ये लग गई है, पता नहीं क्या हो रहा है। और बाकी यहाँ पर हमारा लग गया तड़का जी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और एक आंटी जी आए थे उनके साथ, आपने टाइम लैप्स में देखा होगा, काफ़ी बातचीत की आंटी ने, आंटी बोलते ये क्या है, गाँव वाले लोग देख के परेशान हो जाते हैं, आंटी तो घर ले जाने को, हाँ बोला घर चलो चाय पानी पियो, तो इतने अच्छे लोग होते हैं यार गाँव के। और बाकी आंटी हमारी गोभी देख के परेशान होगी, बोला इतनी गोभी खाओगे आप, और फिर बोला रोटी बनाओगे, मैंने बोला नहीं चावल, बोले चावल के साथ गोभी। तो जी डिनर हमारा हो चुका है रेडी, सब्जी हमारी बन गई थी, ये रही और गोभी की, मतलब ये देखो ये ऐसी बनी है कुछ, और ये हमारी कढ़ी बन गई। तो हमने दही लाई थी, डॉक्टर ने बोला था कुकू दही खाने को, तो इसने खाई नहीं क्योंकि वो खट्टी थी, और हमने जो है उसकी कढ़ी बना दी। तो कढ़ी, चावल और गोभी की सब्जी, तो चलो शुरू करते हैं डिनर फिर, है ना। तो भाई पता नहीं कब आएंगे वो, तो हम खा लेते हैं क्योंकि भूख लगी है, दिन को भी हमने थोड़ा ही खाना खाया था, मतलब मोमोज ही खाए थे, तो खा लेंगे उनको, रख ली हमने कढ़ी उठा के रख दी है, सब्जी भी बचा लेंगे और चावल भी, बाकी वो खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम सुबह खा लेंगे। वाह कितनी अच्छी खुशबू है, तो ये आ गई हमारी चावल और सब्जी। मेरा देखो टेस्टी बना था, मेरा आइडिया। तो गाइस कमेंट करके बताना कि आपने भी कभी खाई ऐसी सूखी सब्जी और चावल, मजा आ गया, अगर खाए तो फिर कैसे लगे जरूर बताना। चलो अब खाते हैं, और नमक मिर्च इसमें सब बराबर है, किसी की जरूरत नहीं पड़ी, और अभी कढ़ी भी है, कढ़ी भी खाएंगे, कढ़ी तो टेस्ट कर ली है, बहुत अच्छी बनी है कढ़ी भी, थोड़ी सी खट्टी है बस। तो गाइस यहाँ पर बन रहा था हमारा खाना, खा रहे थे हम लोग, खा के हो चुके फ्री और सब कुछ हमने उठा के कर दिया पैक गाड़ी के अंदर। हाँ एक बार आप वो देखो नीचे का ये व्यू चुवाड़ी का,
क्या मस्त व्यू है। और एक ये डॉगी आ गया इधर, इसको दिया था खाना, इसने खाया ही नहीं यहाँ पर, ये देखो। तो बस हो चुकी है पैकिंग शैकिंग सब अपनी, और अब बस जाएंगे नीचे रूम में और वीडियो एडिट करेंगे और दिखाते हैं आपको रूम भी कैसा है रूम। वाह, तो ये रहा रूम, और रूम तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि सब वाइट वाइट है ना, और नीचे भी वाइट है, तो वाइट में जो है बहुत ही मस्त लगता है। और ये कुछ बेड, बस बेड है एक और दो चेयर और एक टेबल और कुछ नहीं है, और एक पंखा लगा हुआ है। डिनर हो चुका है और बाकी बाहर तो अब आपको क्या ही दिखाएं, अंधेरा हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना, आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के हमें भी अच्छा लगता है। ठीक होगी तो? हाँ अब तो मैं ठीक हूँ, दवाई खा ली, खाना खा लिया, सब कुछ मस्त वाली एंडिंग कर रही है। हाँ। तो अब जो है ठीक हो गई, और अब फिर से दवाई खानी है, डॉक्टर ने बोला है 10 बजे दवाई खाना, कल पहुँच जाएंगे हम चंबा, देखते हैं कल क्या होता है, कल करवाएंगे आपको चंबा की सैर। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।